everyone, welcome or welcome back to my channel. So those who are new, hi, my name is Anshika and आज का वीडियो आपने टाइटल से गेस कर लिया होगा कि वो नॉर्मल हॉल वीडियो या मेकअप स्किन केयर वीडियो नहीं होने वाला है. सो आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है एज कम्पेयर टू माई नॉर्मल हॉल वीडियो, जस्ट बिकॉज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपना वार्डरोब कैसे ऑर्गेनाइज रखती हूँ. येस, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे हाउस टूर के लिए, रूम टूर के लिए. सो बेसिकली अभी वो मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले जो है वो कैमरा पे कंफर्टेबल नहीं है और वो जल्दी से हो भी नहीं पाते हैं. सो एज कम्पेयर लाइक उसको हम अभी अलग रखते हैं एंड आज की वीडियो की तरफ आते हैं. सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना वार्डरोब कैसे ऑर्गेनाइज रखना है ताकि आपको सामान जल्दी मिल सके, क्योंकि जब आपके पास सामान कुछ ज्यादा होने लगता है सो बेसिकली आपको इसी वार्डरोब में सब कुछ अरेंज करना है. कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं चाहिए, लाइक आपको, मुझे यहाँ पे भी कभी कभी कमी पड़ जाती है, मतलब यहाँ पे मुझे लगता है अब कहाँ रखूँ सामान. सो बेसिकली अभी मैंने इसे ऑर्गेनाइज किया है, रिसेंटली किया है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ. येस, सो या अब हम चलते हैं वार्डरोब की तरफ एंड मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी और इसके अंदर जो जो सामान है वो भी मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ. एंड ऑल्सो मैंने आज हेयर वॉश किया है तो मेरे आज बालों की हालत बहुत ही ज्यादा, मतलब वो उसमें कोम नहीं होती है तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी ना मैं बांध लेती हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं वार्डरोब की तरफ. अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन जिस दिन आप हेयर वॉश करते हैं आपके साथ भी अगर ये सेम इशू रहता है, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं. बेसिकली दिस इज माई वार्डरोब. या वेट, मैं थोड़ा कैमरा घुमाती रहूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चलता जाए कि एक्चुअल इसके अंदर क्या है. सो हम ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे. सो बेसिकली ये तीन हैंगर है मेरे वार्डरोब में. आपको वो हैंगर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे इतने सारे मैं कपड़े कैसे टांगूंगी इतने सारे हैंगर्स में, इसलिए मैं वो अंदर ही रखती हूँ. एंड यहाँ पे मैंने ये तीन हैंगर बस टांगे रखे हैं जिसमें मतलब पहले वाले में सारे हेडबैंड्स और ये स्कार्फ है एक, और ये भी हेडबैंड ही है. एंड ये बेसिकली जब हम कोई मास्क वगैरह लगाते हैं सो ये मैं यूज करती हूँ कि वो सामने बाल वगैरह ना आए ऑफकोर्स. सो ये वाले सेक्शन में सारे हेडबैंड्स है, दूसरे वाले सेक्शन में भी हेडबैंड नहीं है एंड तीसरे वाले में मेरे आईडी कार्ड्स वगैरह हैं जो कॉलेज में थे. सो ये तीन में सिर्फ इतना ही है. कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं. थोड़ा ज्यादा बड़ा है वेट. ये सारा जो है ये अभी मतलब जो आने वाली अपकमिंग वीडियोस हैं ये उसका है, इसलिए मैंने इसे अंदर अभी पैक नहीं किया है क्योंकि फिर मुझे निकालने में बहुत इशू होने वाला था. सो बेसिकली ये मीशो हॉल आने वाला है नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉब्ली, सो ये उसका सामान है तो इसे हम रखते हैं साइड में. तो कमिंग टू दिस, ये एक मिनी स्टोरेज बॉक्स है और ये सारे स्टोरेज बॉक्स आपको नॉर्मल लोकल मार्केट में मिल जाएंगे. अदरवाइज ये मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सारे उस पर अवेलेबल है तो आप चेक कर सकते हैं. लाइक ऑर्गेनाइजर्स अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. एंड ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है, अप्रॉक्सीमेटली 200 से 300 के बीच में पर बॉक्स की प्राइस मिलेगी आपको. सो इससे ज्यादा सस्ते आई डोंट नो कि वेदर वहां पे मिलेंगे कि नहीं, अदरवाइज की क्वालिटी का भी थोड़ा इशू होता है. सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप स्टोरेज बॉक्स ढूंढ रहे हैं अलमेरा में रखने के लिए ये बेस्ट है यार उसके लिए. सो फर्स्ट वाले स्टोरेज बॉक्स जब हम ओपन करेंगे सो इसमें सारी मेरी ज्वेलरी है, मैं आपको नीचे रख के सेपरेटली बता रही हूँ. सो दिस इज माई ज्वेलरी बॉक्स एंड यहाँ पे भी मैं सारे अपने पॉली बैग्स में ही रखती हूँ जस्ट बिकॉज बहुत ज्यादा उनका जो मतलब ये गोल्डन कलर रहता है और ये ब्लैक कलर वो निकलने लगता है. सो इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आप भी हमेशा अपनी ज्वेलरी जो है वो हमेशा पॉली बैग्स में ही रखें. मतलब मैं बॉक्स के अंदर भी जो ज्वेलरी रहती है ना वो भी अंदर पॉली बैग्स के अंदर ही रखती हूँ. सो इसलिए मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी. मैं ओ माई गुडनेस, इसलिए मैं सारी ज्वेलरी सी मतलब ये बॉक्स है उसके अंदर भी मैं ये पॉलीथिन्स में ही रखी हूँ. सो इसलिए आपको भी यही सेम करना है, अदरवाइज आप आपकी ज्वेलरी खराब ही कर लेंगे. सो या दैट इज ऑल अबाउट माई ज्वेलरी सेक्शन. नेक्स्ट कमिंग टू दिस वन, सो ये एक मिनी बकेट टाइप की रखी है, मतलब बास्केट टाइप की. सो इसमें मेरा डेली यूज वाला सामान रहता है लाइक माई वॉलेट एंड ये मेरी एक मिनी डायरी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है कि किस पेज से थी. आई स्टिल डोंट रिमेम्बर, आई थिंक अमोर क्रिएटिव. यस, अमोर क्रिएटिव से है. देन नेक्स्ट अप आई हैव दिस मिनी सो मिनी मैनीक्योर एंड पेडीक्योर किट, तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर करा था मेरे मिनी हॉल में. यस, अगर आपने वो चेकआउट नहीं करा है तो आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगी. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है. यस, तो ये भी मुझे डेली चाहिए पड़ता है. देन माई ग्लासेस
एंड सम फाउंडेशन. सो यहाँ पे मैंने तीन फाउंडेशन इसमें रखे हैं एंड इसके अलावा नॉर्मल हेयर क्लिप्स वगैरह वो सारी चीजें हैं. तो ये हम वैसे ही रख देते हैं बैक पर. मेन वाला सिर्फ यही वाला सेक्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और नीचे वाला सेक्शन, ये बीच वाले सेक्शन में ऐसा कुछ मेजर रखा नहीं है, बट मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूंगी कि आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट अप ये एक नॉर्मल यहाँ पे मैंने खाने पीने का मेरी अलमेरा में रखा ही रहता है, मतलब क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए पड़ता है, मतलब दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए पड़ता है, तो इसलिए ये उसके लिए रखा है. नेक्स्ट अप आई हैव दिस बॉक्स. ओके, तो इसमें मेरे सारे बॉटम्स हैं, मतलब सारे अपने ट्राउजर्स पैंट्स जो भी हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से हैं. तो ये है बॉटम, मैं ऐसे रख लेती हूँ, मतलब मैंने इसे पॉली बैग्स में नहीं रखा है, मैं नॉर्मल इसे रोल अप करके या फिर एक के ऊपर एक ही रखती हूँ. मैं अब सब नहीं निकालूंगी बैठ के, बस अंदर कुछ पॉलीथिन वाले भी रखे हैं. और ये सारे बॉटम्स मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, ये वही वाले बॉटम्स है, लाइक दिस इज फ्रॉम आजियो, दिस इज फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड आजियो फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा. मैं ऑलमोस्ट इन तीन से ही मैं सारे अपने लाइक बॉटम्स लेती हूँ. आई विल लिंक ऑल द डिटेल्स ओवर द आई बटन सो दैट यू कैन चेक इट आउट. ओके, कमिंग टू दिस साइड यस. तो ये सारा मेरा अपकमिंग वीडियो का है, दैट इज आजियो हॉल जो आने वाला है नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज समर ड्रेस हॉल. यस, तो ये उसके लिए है, तो ये भी अभी हम साइड में रख देते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक यही देखने मिलने वाला है. एंड इन दिस सेक्शन आई हैव माय ऑल द टॉप्स एंड द शर्ट्स एंड टी शर्ट्स. नो, टी शर्ट्स के लिए अलग मैंने रखा है क्योंकि टी शर्ट्स मुझे डेली यूज के लिए, और अगर हम नॉर्मल मार्केट जाते हैं तो हम जल्दी से टी शर्ट ही उठाते हैं, तो इसलिए मैंने टी शर्ट्स एक अलग सेक्शन में रखा है. इसमें सारे मेरे टॉप्स हैं और इस टाइप, मतलब जो मुझे बाहर यूजली चाहिए पड़ते हैं, तो वो सारे टॉप मैंने इसमें रखे हुए हैं. सो ये टॉप वाला बास्केट इज द टॉप बकेट, मतलब इसे मैंने पॉली बैग में इसलिए रखा है क्योंकि टॉप जल्दी से खराब होने लगते हैं, इसलिए तो मैं सारे टॉप्स पॉलीथिन्स में ही रखी हूँ अपने, बिकॉज उनके साथ पॉलीथिन्स आती है तो मैंने निकाली भी नहीं इसलिए. सो या दिस इज ऑल अबाउट माई टॉप्स. मैं हब और मतलब मैं निकाल के नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा. सो सारे टॉप मैं यूजली अपने आजियो, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट और मीशो इन सारी वेबसाइट से ही लेती हूँ. सो इन केस अगर आपने मेरी वीडियोज चेकआउट नहीं करी है लाइक हॉल वीडियोज, तो जाके आप जरूर चेकआउट करिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी. Have here is a book that I am reading right now, that is Rich Dad and Poor Dad. So अगर आपने ये book पढ़ी है तो please tell me in the comment section आपको ये कैसी लगी. मेरी almost आधी complete हो गई, मतलब यहाँ pen फंसा है, मेरी इतनी complete हो गई, इतनी बची है, so वो जल्दी होने वाली है. That I have is a makeup box. So इसमें मेरा सारा makeup collection रखा है, मतलब जो भी मेरे products है वो सिर्फ इसी box में है. And this is the Mamaearth face wash that I'm using right now. So let me just tell you guys about this, क्योंकि मैं इसे use कर रही हूँ अभी tanning वगैरह के लिए, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आई थिंक 2 या 3 दिन ही बाहर गई थी मार्केट में एंड मुझे इतनी ज्यादा टैनिंग हो गई थी, तो इसलिए मैंने ये वाला उनका फेस पैक. बेसिकली दिस इज द प्रोडक्ट एंड लेट मी जस्ट शो यू द फॉर्मूला बिकॉज आई रियली लव द फॉर्मूला. सो ये आप इस टाइप का फॉर्मूला रहेगा जो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, लाइक अगर आप इसे जब लगाएंगे तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, प्लस बिल्कुल भी ज्यादा इरिटेशन नहीं होता है. एंड ऑल्सो इट्स एन इंडियन ब्रांड एंड आई विल लिंक द कूपन कोड सो दैट यू कैन जस्ट यूज इट एंड गेट 20% ऑफ ऑन Mamaearth वेबसाइट. अगर आपको कहीं और से शॉपिंग करनी है तो ये Amazon, Flipkart, Purple, Mamaearth सब जगह अवेलेबल है, तो एक बार जाके आप जरूर. Also, whenever you place an order with Mamaearth, they link your order to a tree, मतलब वो वहां पे प्लांट लगाते हैं और आपको वो सारी जियोग्राफिकल locations, प्लांट की pictures, सारा कुछ सेंड किया जाता है आपकी जीमेल आईडी पे. सो ये बहुत ही अच्छा इनिशियल स्टेप लिया है Mamaearth ने. एंड ऑल्सो सारे प्रोडक्ट्स डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड हैं, सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल, पैराबीन और सल्फेट फ्री हैं, तो मैं आपको प्रोडक्ट्स हाईली रिकमेंड. एंड ऑल्सो अगर आपको टैनिंग की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको एक टिप दूंगी कि आपको इसके साथ इसी का फेस वॉश भी यूज करना है, जो मैं भी यूज कर रही हूँ, दैट इज Mamaearth उपटन फेस वॉश. अगर आप ये दोनों एक साथ यूज करेंगे तो आपको आपकी स्किन में फर्क दिखने लगे. जैसे ही आप इसे फर्स्ट टाइम यूज करेंगे आपको इसके रिजल्ट दिख जाएंगे. एंड ऑल्सो आफ्टर द फर्स्ट यूसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस पैक, क्योंकि आपकी जो टैनिंग है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी एंड ऑल्सो द पिगमेंटेशन, बिकॉज मैंने जब इसे यूज करा था तो फर्स्ट टाइम रिजल्ट के बाद मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे थे. सो या दीज टू प्रोडक्ट्स दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ फ्रॉम Mamaearth एंड आई विल हाईली सजेस्ट दीज टू प्रोडक्ट्स, तो एक बार जाके आप जरूर चेक करिए. मैं सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ एंड ऑल्सो द कूपन कोड, सो जस्ट डोंट मिस माई कूपन कोड. नाउ कमिंग टू माई मेकअप बॉक्स, सो दिस इज माई मेकअप बॉक्स. यस, तो इसमें मेरे सारे आई शेडोज एंड सब कुछ, मतलब मैं सब कुछ इसी में रखती हूँ. मेरे पास कोई
बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा मेकअप नहीं है, मैं सब कुछ इसी में रख लेती हूँ, सब कुछ इसमें बन भी जाता है। दैट आई हैव इज अ डायरी एंड यहाँ सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, मतलब कॉलेज के, और मुझे जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए पड़ते तो वो सारे ये वाले और इस फाइल में रखे हैं। सो बेसिकली हम इसे ऐसे ही रखे रहने देते हैं। सो अब घर घर की कहानी, मतलब इसके नीचे, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी घर में, मतलब बेड के नीचे या सोफा के नीचे जब हम उठाएंगे वो गद्दी, सो वहां पे ऑलमोस्ट सबके घर में वहां कुछ ना कुछ रखा मिलता है। एंड सेम गोज विद माई सेक्शन ऑल्सो, यहाँ पे मेरे सारे जो, मतलब कुछ भी मुझे अगर रखना है तो मैं जल्दी से यहाँ रख दूंगी और ये हो जाएगा मेरा। और राइट, सो कमिंग टू दिस सेक्शन, ये सेकंड वाले सेक्शन में एक बॉक्स रखा है जिसमें मेरे सारे मेकअप ब्रशेस और माइक और लाइट्स वगैरह जो मुझे चाहिए पड़ते हैं, लाइक स्क्रंचीज दिख रहा है आपको, ब्रश दिख रहा है, माइक है और ये लाइट्स वगैरह है, क्योंकि फोटोशूट वगैरह कभी कभी चाहिए पड़ता है ऑफकोर्स। देन कमिंग टू दिस साइड, यहाँ सारे मेरे जीन्स है जो मुझे, मतलब डेली जीन्स मैं पहनती नहीं हूँ, मैं यूजली पैंट्स ट्राउजर ये सारी चीजें पहनती हूँ, इसलिए मैंने उसे बॉक्स में रखा है, अदरवाइज इनके लिए भी मुझे एक बॉक्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है लेना। देन दिस साइड, ये मेरे सारे घर के कपड़े हैं जो मैं यूजली डेली वेयर में अपना पहनती हूँ। एंड कमिंग टू पीछे वाले सेक्शन में, ये अभी वाला है, मतलब जो अभी मीशो हॉल मैंने आपके साथ शेयर करा है, इनकेस अगर आपने चेकआउट नहीं करा है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो ये सारा मीशो हॉल से है क्योंकि अभी मैंने उसे अरेंज नहीं करा है, क्योंकि मेरे पास बॉक्सेस की कमी थी और मुझे बॉक्स अब लेना पड़ेगा, क्योंकि एक मुझे बॉक्स लेना है इंडियन वेयर रखने के लिए, एक मुझे लेना है सारे बॉटम्स वगैरह रखने के लिए। सो या, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस सेक्शन। और राइट, सबसे बुरी हालत में जो है वो है ये वाला सेक्शन, क्योंकि इसे मैं जल्दी से नहीं जमा पाती हूँ। सो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो ये मैंने अभी स्क्रंचीज मंगाई है बहुत सारी, मतलब यू गाइस कैन सी, या सो ये मैंने इसलिए मंगाई है बिकॉज, सो बेसिकली आई ओन अ थ्रिफ्ट पेज, एंड जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं एक थ्रिफ्ट पेज भी चलाती हूँ। सो वहाँ मैं सारे क्लोथिंग वगैरह जो मैं यूज नहीं करती हूँ या फिर जो मैंने बहुत ही कम यूज करे वो सारी चीजें मैं सेल करती हूँ। सो इनकेस अगर आपने वो पेज चेकआउट नहीं करा है, देन आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड मैं सारे प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी मेरे ऑर्डर्स आते हैं उनके साथ मैं कुछ स्क्रंचीज वगैरह फ्री देती हूँ। सो बेसिकली ये स्क्रंचीज उसके लिए है। देन कमिंग टू दिस बॉक्स, तो इसमें मेरे सारे टी शर्ट्स हैं जो बेसिकली मुझे टी शर्ट ज्यादा पसंद है। यू गाइज नो दिस थिंग, जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं टी शर्ट्स मुझे कितने ज्यादा प्रिय हैं, मतलब सो इसलिए मैंने टी शर्ट्स का एक अलग पूरा बॉक्स बनाया है। सो इसमें मेरे सारे टी शर्ट्स हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट दिस वन, सो इसमें क्या है, इसमें ड्रेसेस है मेरे, मैं उतना ज्यादा ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ, क्योंकि आपने मेरे हॉल वीडियो से आप समझ ही गए होंगे मुझे टॉप टी शर्ट पैंट्स ट्राउजर ये सारी चीजें ज्यादा पसंद है। सो ड्रेसेस कम ही थी इसलिए मैंने ये छोटे वाले सेक्शन में रखी है। सो इसको हम रख देते हैं, मैं सब आपको ऐसे निकाल के तो नहीं बताऊंगी ना ऑफकोर्स, क्योंकि ये नॉर्मली रखा है। सो ये दो इसलिए यहाँ पे रखे हैं। देन दिस बॉक्स, सो इसमें ये कॉटन पैड्स है जो मिनीसो से लिया था, ये ओपन है तो मुझे ये वाला मैंने निकाल लिया और एक अभी पैक रखा है। देन वी हैव सम लाइक नॉर्मल जो मुझे डेली स्किन केयर टाइप का जो सामान चाहिए पड़ता है वो सारी चीजें, एंड इसके नीचे भी ये वाला बॉक्स रखा है वो भी स्किन केयर वाला ही है। एंड ये मेरा बैकड्रॉप है, सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने ये कहाँ से लिया। सो बेसिकली टाइट डेमो हो रही है मेरी, सो बेसिकली ये अमेजोन से है एंड अमेजोन पे आपको ये हर कलर का अवेलेबल है। मैंने ये व्हाइट पर्टिकुलरली लिया है बट आपको येलो, ब्लैक, पिंक सारे कलर्स में अवेलेबल है, तो एक बार आप चेकआउट जरूर करें। एंड इसके अलावा अब हम चलते हैं नीचे के दो ड्रॉर्स जो बकवास है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं रखा है, बट देन ऑल्सो आई विल शो यू। सो ये वाले सेक्शन जब हम ओपन कर, बहुत टाइट है एक तो ये, ठीक है। सो इसमें मेरे सारे वो बॉक्सेस वगैरह रखे फोन के और ईयरफोन के, ये ग्लासेस का, तो सारे बॉक्सेस वगैरह इसमें ऐस कुछ मेजर नहीं है, सारा बकवासी आइटम है जो हमें बहुत ज्यादा कम चाहिए पड़ता है वो सारा आइटम्स हैं। ये स्पंजेस वगैरह और ब्यूटी ब्लेंडर सब कुछ इसी में है। इसको मैं जल्दी से खोलती नहीं हूँ बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा टाइट है। सो इसको अब हम बंद करते हैं जो कि हो नहीं रहा है। या सो कमिंग टू दिस सेक्शन, यहाँ पे लाइक मैं पहले ज्वेलरी रखती थी बट अब वो ज्वेलरी मैंने उस वाले बॉक्स में शिफ्ट कर दी, बट अभी भी इसमें लाइक ज्वेलरी है। ये वाले सेक्शन में मेरी कुछ ज्वेलरी है जो मैं जल्दी यूज नहीं करती हूँ, ये वो वाला है, ये एक लेस है। देन ये सारे बॉक्सेस में भी ज्वेलरी ही रखी है, इफ यू गाइस कैन सी, मतलब सी ये सारे इसमें ज्वेलरी ही रखी है, तो इसमें सारी चीजें वो वैसा वाला है कि मैं जो जल्दी से मुझे चाहिए नहीं पड़ता है। एंड ऑल्सो दिस, सी दिस क्यूट लिटिल, मतलब पाउच टाइप का, ये मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से लिया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम बट आई विल लिंक ऑल द डिटेल ओवर है,
एंड ऑल्सो आई विल गिव द लिंक ऑल्सो सो दैट इफ यू गाइज आर वंडरिंग कि आपको कोई पाउच चाहिए जिसमें अपने मेकअप प्रोडक्ट्स रख सकते हैं तो आप इस पेज को चेकआउट कर सकते हैं. So yeah, this is all from my wardrobe. So guys, this is all for today. I hope you enjoy this video and also tell me in the comment section अगर आपको इस type की videos और चाहिए like मैं कैसे अपना stuff organize करती हूँ because बहुत ज़्यादा issues होते हैं. लेकिन जिन्हें PR मिलने लगते हैं ना तो उन्हें समझ में नहीं आता एक time पे सामान कहाँ रहा, मतलब लोग कैसे संभाल लेते हैं. मैं तो यही सोचती हूँ जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स रहते हैं सो वो कितना ऑर्गेनाइज रखते होंगे, कितना सिस्टमैटिक रखते होंगे. खैर मेरे पास एक पर्सनल रूम नहीं है कि जहाँ पे मैं सब कुछ भरती जाऊँ, सो इसलिए आपको इस अलमीरा को देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे अपना सब कुछ मेंटेन रखती हूँ. एंड ऑल्सो मुझे मतलब एक टाइम आएगा कि मुझे ये भी कम पड़ जाएगा. मुझे तो अभी से ही ऐसा लगता है कि इसमें मैं अब और कैसे रखूंगी सामान. सो बेसिकली लेट्स सी कि मैं क्या प्लान करती हूँ फ्यूचर में, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. एंड या टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहिए हो जो मतलब नॉर्मल हॉल वीडियोस के साइड से अपार्ट फ्रॉम हॉल वीडियोस. या सो या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे होम एंड स्टे पॉजिटिव. बाय.